हमारे ओके साथ डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब तशरीफ ले आए हैं जनाब। बहुत शुक्रिया सर के तशरीफ लाने का। दारुल उलूम कराची से सर का ताल्लुक है। तकी उस्मानी साहब इनके वालिद तो मोहतरम हैं और ये भी माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरियल खूबियाँ हमें इनके अंदर नजर आती हैं। पीएचडी भी की है सर ने और इनके साथ हमारा पुरानी दोस्ती और ताल्लुक है। तो सर वेलकम सर। डॉक्टर साहब मे अल्लाह सुब्हान तआला ब्लेस यू। मैं जरा स्पॉटलाइट में आपको ले आऊँ सर। तो सर आपने माइक जरा ऑन कर दीजिएगा। माइक्रोफोन सर मैं अच्छा जी। तो जजाकल्ला सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है। तो अल्लाह ताला आपको जजा खैर दे। हमारे पास इस वक्त 60-70 के करीब लोग हैं और पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी है, बल्कि बैरून मुल्क से भी कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, कराची, चतराल, गिलगित। तो आज सर जो मौजूद हमारा एक IBA को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप को, इस एंटरप्रेन्योरियल कोर्स को अवामी करने में अल्लाह ने हेल्प कर दी है। इस वक्त ये कोर्स पूरे पाकिस्तान में ऑफर हो रहा है ऑनलाइन। एंड एनीबॉडी इरिस्पेक्टिव के वो उसका रेस, रिलीजन, कलर, बैकग्राउंड, मैट्रिक फेल भी है ना, आपके बाद जो अगले गेस्ट स्पीकर तशरीफ ला रहे हैं साईं शोरू साहब, जीरो पढ़े हुए, स्कूल गए ही नहीं हुए, इन्होंने हमारा कोर्स किया है अभी IBA से। और अल्लाह की शान देखें कि IBA ने इनको दाखिला दिया। हमारे साथ 3 महीने गुजारे। इनके पास 10 भैंसे हैं, बकरियां हैं, घोड़ा है। और ये इस वक्त ये जनाब ये इन्होंने हमारे साथ 4 महीने गुजारे हैं और दरिया में भैंसे नहलाते भी हैं जाम शोरों में। और ये इतनी पाबंदी से आते हैं। तो आपके बाद अगले गेस्ट स्पीकर होंगे। तो सर आपसे सवाल ये डॉक्टर साहब के माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत नौजवान हैं, तो खास तौर पर मजहबी बैकग्राउंड के मदरसे बेशुमार हैं। इनको द क्वेश्चन इज के इनके अंदर वो हम एंटरप्रेन्योर स्पिरिट पैदा, द क्वेश्चन इज क्या क्या ख्याल है कि इनके अंदर भी पैदा की जा सकती है? सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमने थोड़ा सा आपके साथ काम भी किया है तो उन तजर्बात की रोशनी में और आपने थोड़ा सा आप कुछ फरमा दें कि क्या ख्याल है इन दरस निजामी करते हुए, मुफ्ती बनते हुए, क्या इनको भी हम एक नई मंजिल दिखा सकते हैं सर, खिदमत की, कॉन्ट्रीब्यूशन की पाकिस्तान में एक नई खिदमत का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बात की, मैं ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इसमें आपके साथ शरीक हूँ। और डॉक्टर शाहिद कशी साहब माशाल्लाह अल्लाह को खूब बरकत दे काम में और खेल में, और तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खूब काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इनसे अच्छे अच्छे साथी दीदार भी हों, ताजिब भी हों, हमारी बात ये होती है कि मैं अपने तमाम साथियों को ये कहता हूँ, चाहे दारुलूम के हों या मदारिस के हों या बाहर के हों, कि तिजारत जो है हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनकी सुन्नत थी कि आपने शिरकत भी की है, आपने मुदारबत की है, पीर बन के भी काम किया है। अभी रमजान शरीफ के अंदर हम लोग जो है वो तरावीह के बाद उसवाए रसूल एक उसवाए रसूल की एक और किताब है, तो हजरत मक्तूम साहब ने लिखी है, एक और किताब है जो सैयद अल मुस्तफा के नाम से है, हजरत इद्दीस कंदूरी साहब ने लिखी, तो वो हम पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर पूरा उन्होंने तफसील से लिखा है कि हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो शिरकत भी की। एक सहाबी थे शायद साई उन्होंने जैद जिनका नाम था, तो वो फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लम मेरे शरीक थे दौरे जाहिलियत के अंदर, और ऐसे शरीक थे कि ना तो किसी बात को टालते थे और ना ही झगड़ा करते थे। और आपके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मुबारवा किया। इसके अलावा आपने ये भी एक हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि मैंने चंद दिरहमों के इवज मैंने बकरियां भी चराई, और तमाम अम्बिया किराम जो भी आए उन सब ने बकरियां चराई। और उसमें मसीह उन्होंने लिखा है कि असल में बकरियां जो हैं वो इधर उधर भागती हैं, तो इंसान को उनका रखवाला होता है वो, तो तमाम उम्मतियों का, तो उनको किस तरीके से यानी कि उनको
حفاظت کرنی ہے, ان کو راہ دکھلانی ہے, ان کو لیڈرشپ کیسے کرنی ہے. تو اس لیے طبیعت ہوتی ہے جو بچپن میں وہ بکریاں چلاتے ہیں. خیر اس طرح کی باتیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی زیادہ تلقین فرمائی ہے, اور تجارت کرنا اور یہ کتنا زیادہ یعنی کہ ثواب کی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ التاجر صدق الامین مع النبی یقین الشہداء, نیک اور امانتدار سچا تاجر کا حشر قیام الفردوس انبیاء کرام کے ساتھ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک یعنی کہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہے, تاجروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. انبیاء کرام کے ساتھ حشر ہونا, یہ ان کے ساتھ ہونا, یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی اگر صحبت خدمت میں عطا فرما دے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. بہت ہی عظیم بات ہے. اور پھر میں نے اس کے سلسلے میں بہت مطالعہ کیا حضرت شیخ علی کی کتاب کو بھی اور دوسری کتابوں کا. تو بہت سارے صحابہ کرام جو تقریباً ہمارے خلفائے راشدین میں سے تقریباً تمام حضرت علی تقریباً تمام لوگوں نے زیارتیں کی شکل میں کی, اور اس کے علاوہ ہمارے خلفائے کرام یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام میں سے کئی سارے صحابی تھے کیونکہ جن کی بڑی بڑی تجارتیں تھیں, اور حضرت الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہ جب وہ ان کے بارے میں آتا ہے تو جو مدینہ میں آئے تو جو ہے وہ انہوں نے راستہ دکھا دو بازار کا, اور انہوں نے وہاں پہ جا کر تجارت شروع کی, اور ایک وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت عطا فرمائی. تو دیکھیں حدیث میں آتا ہے حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ید العلیا خیر من ید السفلی, دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو میں ابھی ویسے قلبی رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ ان کی ایک دعا پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں دینے والا بنا لینے والا. دینے والا کب بنے گا بندہ؟ دینے والا اس وقت بنے گا جب انسان جو ہے وہ ایک تجارت کرے گا, لوگوں کے ساتھ اس کو اس کے پاس پیسہ ہوگا تبھی وہ دینے والا بنے گا. تو اس لیے جو ہے نا اگر یہ انسان یہ نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا اور اس کو سب کا خیرات کروں گا اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں فرین ہیں ان کی مدد کروں گا, تو یہ اور پھر امانت اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے, بالکل جھوٹ نہ ہو, کسی قدم کی کرپشن نہ ہو, خیانت نہ ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور باقر نے فرمایا جو شرکت کرتے ہیں لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں, فرمایا کہ ان کا تیسرا پارٹنر بن جاتا ہوں دو پارٹنر کے درمیان جب تک کہ وہ خیانت بن جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی نصرت ہوتی ہے پارٹنرس کے اوپر بشرطے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے نا وہ بہت تجارت پر انفیسس کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو, لیکن انفارچونیٹلی وہی ہمارے شاید جو برے صغیر تھے کیا ہسٹری ہے کیا, یہ تو آپ شاہد صاحب آپ ہی سوچ کے لیے گا اطمینان سے بیٹھ کر کہ یہ کیوں ہمارے حضرات جو ہیں یہ کافی عرصے سے تجارت سے ہم لوگ جو ہے خاص طور پر دین حضرات جو ہے وہ الگ ہو گئے, اور شاید کی وجہ یہ ہوگی کہ تاکہ اپنے آپ کو خالصتاً دین کے لیے وقت کر دیا جائے. لیکن ہمارے جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور تابعین اور صحابہ یہ لوگ بھی تو دین کا کام کرتے تھے, بہت زیادہ کرتے ہم سے کہیں زیادہ کرتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے, اور یہ کام جو تھے وہ بغیر کسی تنخواہ سے کرتے تھے, یعنی کہ جو بھی چکر پتوڑ کا کام ہوتا تھا تبلیغ کا کام ہوتا تھا, بلکہ یہ بعض روایت بھی کہا گیا کہ شاید یہ اس پر اجرت لینا جائز ہے نہ جائز ہے, اس کے بھی اختلاف رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں تمام حضرات کو یہ میری طرف سے ایک ہمیشہ سے میسج رہتا ہے, اور کہ میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں کہ بھائی جو اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی موقع ملے تجارت کرنے کا وہ تجارت کی جائے, اور نیت سنت کی جائے, اور دوسرا یہ کہ نیت بھی کی جائے کہ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے, اور ہم انسانیت کی اور مسلمانوں کی خدمت کریں گے
नियत हो और सच्चाई के साथ अमल कर करे ताकि हुजूर सल्लम की हदीस पर अमल हो, तो ये बहुत बड़ा सवाब बन जाएगा और ये बात हमारे तमाम मुसलमानों के ध्यान में रहनी चाहिए। देखिए शाही साहब, आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे, अगर आप उसमें साथ साथ इस्लाम का एलिमेंट दाखिल नहीं करेंगे ना, तो वो मादा परस्ताना सोच रहेगी, खाली पहले पैसा कमाना। आपको पता है कि हमारे दादा अब्बा ने ये किताब में लिखा है कि क्या कहते हैं, ये जो माल है ना, इसके बारे में कुरान पाक ने बाज़ जगह इसको फितना कहा गया और बाज़ जगह कहा है तुम्हारा दुश्मन है, और दूसरी तरफ बाज़ जगह इसको कहा है कि वक्तहू मिन फ़ज़लिल्लाह, तुम्हारा फजल है, अल्लाह ताला का फजल है, और बाज़ जगह इसको रिज़्क रिज़्क तैयब कहा गया। तो अब एक लेमैन जो है ना, वो समझेगा कि भाई माल के बारे में एक जगह फरमा रहे हैं कि भाई ये माल जो है तुम्हारे लिए फितना है, और दूसरी जगह फरमा रहे हैं कि भाई ये माल तुम्हारे लिए एक फजल है, तो ये किस सूरत में ये है, तो आखिर ये कॉन्ट्रडिक्शन का क्या हल है। तो हमारे दादे अब्बा ने बड़ी तफसील से इसको लिखा है कि इसका ये है कि यही माल इंसान के लिए अगर मादा परस्ताना सोच के साथ होगा, उसमें अल्लाह ताला का ख्याल नहीं होगा, जो मकसूद असली है कि हम अल्लाह की रजा हमारी मकसूद असली हो, और हम जो तजारत कर रहे हैं इसलिए कि ये हमारी जिंदगी जो है ये एक मुसाफिर की तरह है इस दुनिया के अंदर, तो इंसान उसको अच्छे से गुजर बसर कर ले इसलिए, और ताकि अपने बात छोड़ने वाले जो लोग हैं उनको वरासा उनको दूसरों के दस्तगत छोड़ के ना जाए। हदीस में भी आता है कि हजरत रहमान बिन औफ किसी दूसरे शादी थे, उनसे ये ने फरमाया कि उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं अपने तमाम माल सदका कर दूँ, तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, तुम एक तिहाई तक कर सकते हो, एक तिहाई बहुत ज़्यादा है, और एक तिहाई से ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो जो बच्चे हों तो वो किसी दूसरे के दस्तगर बन जाएं और वो फकीर बन जाएं और दूसरों को मोहताज बन जाएं, तो ये सही नहीं होगा। अगर वो मालदार हों तो ये कहीं ज्यादा बेहतर है उससे। जी जी, तो किसी दूसरों को मोहताज, तो ये इससे ये काम करेंगे तो ये चीज हमारे लिए फितना नहीं होगी, फजल हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी नियत खाली लोग बस मादा परस्ताना एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं, जैसे दूसरे लोग सीखते हैं और पैसा कमाने के जरिए है, और तो फिर ये हमारी ताजिरों मुसलमानों वाली चीज नहीं होगी, ये जो है वो सूरत के अंदर हमारी ये जी एक खुदा खायदा सवाल सवाल नहीं होगा। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट आप हमेशा आपके दिमाग में जागरूकी करें, देखिए ये इस्लाम में बहुत अहमियत का हामिल है, बशर्ते के ये चीजें मद्देनजर रखी जाए, और सूरत के अंदर इसकी बहुत ज्यादा फजीलत आई है, और जितने भी हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, उलमा इकराम हैं, तमाम तलबा हैं, इन सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए, और इससे इस सिलसिले में दूसरों को मैं तो बल्कि आपसे कहा भी था और आपने माशाल्लाह यहाँ वक्त भी लगाया, लेकिन और भी मैं चाहूँगा कि आप या आपके शागिर हजरात हमारे मदारिस में आके तलबा को सिखलाएँ, स्किल सिखलाएँ, मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योरशिप सिखलाएँ, मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के प्रोग्राम सिखलाएँ, तो ताकि जो बच्चे हैं जो नौजवान बच्चे हैं वो अपने घरों में बैठ कर वो काम करने के आदि बने, किसी को भी मांगे ना, क्योंकि मांगना जो है इस्लाम में ये नहीं है जब तक इंसान खुदा न खासा फाके की नौबत तक ना पहुँच जाए, तो इसलिए लेकिन आजकल इसको बिल्कुल लोगों को एहसास ही नहीं, तो मांग लोग जो है वो मांगते हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में हालांकि इसकी मुखालफत आई है जिसमें कोई मांगना जी जी। तो इसलिए जो है ना हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला हमें दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये होता है कि इंसान जो है वो कामयाब हो ना हो ये इख्तियार में नहीं है, जी एग्जैक्टली काफी मेहनत करता है और उसके अंदर एक तो ये कि उसका आइडिया अच्छा होना चाहिए जो जिसके ऊपर वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, दूसरा ये कि उसके साथ जो जो टीम है वो अच्छी होनी चाहिए, तीसरे उसको कुछ इन्वेस्टमेंट हो, कुछ सरमाया हो, और फिर ये कि उसको मेहनत करे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपने खाली पैसे डाल दिए, टीम जमा कर दी और फिर आपने उसको पूछा था कि खुद मेहनत करनी पड़ती है, और यही जो एहसास जिम्मेदारी आती है ना इंसान को, यही बेसिकली एक लीडरशिप क्रिएट करती है।
और जो लीडरशिप क्रिएट करती है, देखें हमारे सहाबा किराम कितने सारे सहाबा ने सिर्फ और सिर्फ तजारत के जरिए से दावत की, जो श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, कहाँ कहाँ ममालिक में जो इस्लाम फैला है, वो कोई यहाँ से नहीं फैला, वो सिर्फ तजारत से फैला है। तो वहाँ पर हमारे सहाबा किराम जाते थे और वो चूंकि सहाबा किराम हुजूरबाग कलम चौपर जाते थे, कुछ ऐसा बना हुआ था, तो फिर अल्लाह ताला वो जो तजारत भी करते थे तो उससे लोगों को इस्लाम दिया था। तो ये सब बातें हमें याद रखनी चाहिए। आप देखिए कि आप हमारे माशाल्लाह बहुत ही, मैंने आपसे आपका पूरा मैंने आपकी तबीयत हासिल की है, आपको सेशन दिया है और माशाल्लाह बहुत फायदेमंद था, लेकिन ये चीज़ें जो है ना आप उनको याद दहानी कराते रहा करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला जो है ना ये याद दहानी कराते रहे। बिल्कुल सर, आप लोगों की हमें दुआओं की भी जरूरत है, रहनुमाई की भी जरूरत है। और मैं अभी सर अल्लाह की शान ये है डॉक्टर साहब, अभी मैं हिंदुस्तान की एक इंडियन हिंदू प्रोफेसर है, उनसे भी हमारी बात हुई अमेरिका में, यानी ये कोई ऐसी अजीब अवेयरनेस आई है पिछले 2-3 सालों में कि अभी गोरे भी अमेरिकन भी अजीब बात कह रहे हैं। और वैसे तो हमारे और शायरे मशरक तो बहुत पहले कह गए थे, वो कह रहे थे कि ढूंढ रहा है फरंग, ढूंढ रहा है फरंग ऐशे जहां का दवाम, वाए तमन्नाए खाम, वाए तमन्नाए खाम। तो हमारे इकबाल तो बहुत पहले कह गए हैं और ज़ाहिर है कुरान ने तो बहुत पहले कहा हुआ है आपकी बात। तो सर अजीब बात यह है कि अभी अंग्रेज प्रोफेसर है, उसने जो हमारी ये बात करनी शुरू कर दी सर, उसने कहा कि अपना मकसद सही करो, उसने कहा अपना मकसद हयात तलाश करो। और वो एक हार्वर्ड बिजनेस का स्कूल का प्रोफेसर है, वो कहता है कि जनाब मकसद जो है ना वो आपको खुदा से ही मिलेगा, ये भी कह दिया उसने। वो उसने कहा है कि वो पैमाना जिससे खुदा तो हमारी कामयाबी को मेजर करेगा, वो पैमाना दौलत पैसा डिग्री है ही नहीं। उसने ये कहा, उसकी किताब आई है, वो कहता है वो पैमाना ये है कि तुमने इंसानों को अच्छा इंसान बनाने के लिए क्या रोल प्ले किया। सही बात, मैं यानी ये तो नबियों वाला काम है सर एक्चुअली। और जैसे आपने फरमाया तो हम एज ए मुस्लिम हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल सीधी सीधी कुरान में लिखी है, हमारे लिए तो डबल फायदा है। देखिए हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने बतौर मुस्लिम के एक तो ये कि वो दूसरे जो इनके बिलफर जो मुसलमान नहीं है वो अपनी कॉज बेशक ये बनाते हैं कि भाई एक चीज जो है वो लोगों को फायदा पहुंचाएगी, नाफियत होगी, ये अच्छी बात है। और इसका लेकिन इसका असल चीज जब तक ईमान ना हो तो और असल ये कि अल्लाह ताला की रजा मकसूद रसनी ना हो तो उस वक्त तक ये जो चीजें हैं ये चीजें सानवी हो जाती हैं। तो इसलिए जो है हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारे ईमान को और मजबूत करे और खालिस करे और अल्लाह तबारक तआला अपनी रजा की हमें पूरी वो कोशिश अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की खातिर ये काम जो भी है करें। तो हमारे लिए तो ये फिर तजारत जो है ना ये समझिए कि ये एक अजीब इबादत बन जाती है कि इसके अंदर एक अल्लाह ताला की रजा जुई है हमारी और फिर साथ साथ मखलूक की मनफियत भी है, मखलूक की खैरखाई भी है और साथ साथ एक लायबिलिटी है, लीडरशिप क्रिएशन भी है। और फिर दूसरे एक बात और भी है वो ये कि आप जो है ना जब कारोबार करते हैं ना तो आपके पैसों से दूसरे कितने सारे लोगों के चूल्हे जलते हैं, ठीक है ना। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 1,00,000 रुपये 10,00,000 रुपये जो भी हैं मेरी सेविंग हो, मैं अगर बैंक में इन्वेस्ट कर दूं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इतने सारे डिपॉजिटर्स हैं, इतने अरबों खरबों रुपए बैंक में जमा होते हैं, उससे फायदा कौन उठाता है, चंद कॉर्पोरेट्स उठाते हैं। तो वो पैसा सारा का सारा आपका जो है ना वो पूरा का पूरा कंसंट्रेट हो जाता है फ्यू हैंड्स के अंदर। तो लेकिन अगर आप खुद कारोबार कर रहे होते हैं तो आपका पैसा आप खुद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, आपके जो फ्लो ऑफ मनी है वो फ्लो ऑफ वेल्थ है वो गरीबों की तरफ जा रहा होता है। वही 10,00,000 रुपए जो है ना जब आप उसको अपने बिजनेस में लगाएंगे तो आप की जैसे बता रहे ना हमने सारे वो पर आपको पैसा हो रहा है वो कॉर्पोरेट से नहीं आ रहा। और कॉर्पोरेट आपको पता है आजकल ग्लोबलाइजेशन है तो वो अल्टीमेटली किसके हाथ में जाता है ये सब आप सब जानते हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये चीजें जो है ना हमें चीजों पर विजनरी थॉट्स के साथ होना चाहिए तो अल्लाह ताला इसके हमें बहुत सारे
फवाइद और सवाब अता फरमाएंगे, दुस होंगे जिनके दूर रस असरात होंगे। अगर आप ये जो आप काम कर रहे हैं ना शेख साहब, मैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा कदर करता हूँ कि जो आपका काम ही जो काम कर रहे हैं नौजवानों में, इसके असरात बहुत इंशाल्लाह वो कयामत तक पाए, कयामत पाए, क्योंकि आपने जो इब्तिदा की है हदीस में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदाल और खैर कफाई, अगर कोई आदमी किसी को नेक काम का बदला है तो जितने उसके ऊपर अमल करते हैं वो सब उसके बदलाने वाले का। जी माशाल्लाह जी, सवाब उसको मिलता है और मिलता रहता है, दिलवाया तो ये बहुत बड़ी सवाब की बात है। और अल्लाह ताला से हम ये भी दुआ करें कि जो इवन अगर जो नॉन मुस्लिम जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और उसमें उनका मकसद ये है कि वो लोगों की खिदमत करेंगे और लोगों को नफा पहुंचाएंगे, तो अल्लाह ताला उनको साथ साथ ईमान की दौलत भी अता फरमा दे, अल्लाह ताला के साथ ये जो है वो कम शिर्क ना करें, अल्लाह ताला को अपना खुदा माने और दुनिया और ये और हुजूर पाकिस्तान के बाकी हम तो जो अकीदे की बुनियादी चीजें अगर वो मान लें फिर तो एक कामयाबी है, फिर अल्लाह तआला को जो है वो तौफीक अता फरमा दे तो इंशाल्लाह। तो अब देखें ना आप सूरतेहाल, अभी जो मौजूदा सूरतेहाल है ये हमारे लिए खुद ही अल्लाह ताला की जो पहचानने के लिए कितनी बड़ी एक जी एक ये समझिए कि कितना बड़ा सबक है कि ये अब ये पूरी दुनिया की ताकतें जब एक तरफ और क्या कहते हैं ये छोटा सा मर्द नजर भी नहीं आता, ये बैक्टीरिया है क्या है नजर भी नहीं आता और ये सारे लोग जो है ना उसके आगे बेरोस और किसी को नहीं पता कि कब किसकी मौत आ जाए, तो कितने अच्छे अच्छे लोग नौजवान लोग जो जा रहे हैं और सब लोग जो है पहले कभी सोचा भी नहीं था कि रोज रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और डिस्कोज और ये क्लब और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी और अब ये हवाई जहाज रुक जाएंगे और ये बसें रुक जाएंगी और ट्रेनें रुक जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरा फुल इंतजाम कर दिया, लोगों को शहरों को पर्दा आ गया खुद ब खुद मर्दों को भी औरतों को भी, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसा सिस्टम कर दिया। तो इसी से अंदाजा होता है कि सारी ताकत असल तो अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला ही अता करने वाला है। अब देखिए ये जो इंसान तिजारत कर रहा होता है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से बयान फरमाया, तो ये फरमाया कि देखो तुम लोग जो तिजारत करते हो या तुम लोग जो काश्तकारी करते हो तो बताए तो तुम लगता है कि तुम कर रहे हो, लेकिन फरमाया कि तुम कभी गौर किया तुमने तुमने गौर किया कि तुम जो करते हो तो कौन करने वाला है, असल तो ज़ात अल्लाह की है, आप तो सिर्फ एक मेहनत करते हैं लेकिन उसको बराबर करना उसको एक समरावर करना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान तो सिर्फ मेहनत कर सकता है। तो फिर दुआ करे अल्लाह ताला से और जब अल्लाह ताला की के ऊपर इंसान को यकीन कामिल होता है और जब अल्लाह ताला से उम्मीद कामिल होती है तो फिर अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाबी और तरक्की अता फरमाते हैं। जितने लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं तो वो अपने साथ साथ उनके अंदर एक विजन भी होता है और पॉजिटिविटी के साथ वो मेहनत करते हैं तभी उनको कामयाबी होती है, अगर वो निगेटिविटी के साथ करें तो कभी कामयाबी नहीं होगी। तो आप लोग माशाल्लाह आपको ये सब चीज़ों का आप पढ़ाते ही नहीं लोगों को और दुनिया में ऐसे ही देखा गया कि कोई पॉजिटिव विजन के साथ काम करता है तो अल्लाह ताला उसको खुल जाते हैं। आपको इसलिए बुलाने का मकसद था कि हमें याद दहानी भी रहे और बुजुर्गों बड़ों के सामने कागजारी भी आती रहे ताकि हम रहनुमाई भी मिलती रहे। तो आप जब भी हाजिर मैं तो इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी तरह आप ये कोशिश करें और अपने साथियों को भी कहें कि भाई थोड़ा सा हमारे जो मदारिस के तलबा हैं इनको आप किसी तरह सर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया डॉक्टर साहब, वो काम ये हुआ है कि हमारे चूंकि ऑनलाइन चला गया ना पूरे पाकिस्तान में तो अभी हमने उलमा के लिए हमारा ये जो ऑनलाइन कोर्स है पूरा पाकिस्तान में जा रहा है सर, आईबीए की सर्टिफिकेशन जी इट्स विल बी अवेलेबल ऑनलाइन और मदरसों के तलबा के लिए बहुत खास रियायत कर दी हमने, यानी इन 1000 रुपीज 1000 रुपए में वो जनाब आईबीए का 60 घंटे का कोर्स कर सकते हैं कहीं भी हो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो और उसमें ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी और उसमें सर ऑनलाइन सेशंस भी होंगे, जैसे आपका सेशन इस वक्त काफी लोगों के पास जा रहा है
तो ये इट इज गोइंग टू बी कराची, लाहौर, मुसलामाबाद, कहीं का भी मदरसे का तालिब इल्म हो, हमारे कुछ मुफ्ती सुफियान साहब हैं, मुफ्ती अबैदुर्रहमान साहब हैं जामे बनोरिया से, इसी तरह आपके भी वो हमारे कोर टीम बन जाएगी, वो उनकी मावनत व्हाट्सएप ग्रुप, उनकी मेंटरिंग भी इंशाल्लाह चलेगी। तो मैं आपसे वन टू वन फिर अलग बता दूंगा कि दारुल उलूम कराची और यानी ताकि ये जो फैसिलिटी है इट विल बी अवेलेबल टू एनीबॉडी, और फैकल्टी भी इंटरनेशनल इसके लिए अवेलेबल है अमेरिका, यूरोप, जर्मनी से, वो भी अपने अपने ख्यालात का नॉलेज इनसे शेयर करेगी। और तो इसलिए एक मौका है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें आईबीए को एक मौका मिल गया है कि हम आम, वरना सर आपके यहाँ कोर्स पढ़ाने के लिए आप अगर चाहें तो हमारा जो इदारा है हीरा हीरा इंस्टीट्यूट या हीरा फाउंडेशन, तो हम इस सिलसिले में उसको उसके साथ भी आपकी कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और ताकि हमारे जो दीनी मदारिस के चूपे हो सकता है वो आपके नेटवर्क में, आईबीए के नेटवर्क में तलबा ना हो लेकिन वो हमारे नेटवर्क में हो, तो इस तरीके से वो उन तक रसाई हो जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं थी वाली बात कि आप लोग ये कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ये तभी मुझे आज उन्होंने उसामा ने बताई ये बात कि माशाल्लाह ये कोर्स हो रहा है, तो इस वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम हो रहा है। तो मैंने कहा मैं जरूर इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो हो सकता है अल्लाह ताला मेरे लिए इसके कोई अजर रख दे इंशाल्लाह। आप सर कल किसी की जिम्मेदारी लगा दें अपने नायब की, वो मुझसे राब्ता कर ले, तो हम कल एक एमओयू साइन कर लेंगे और आपकी बरकत से इजाजत से जितने भी मदारिस हैं वहां तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और मतलब हम तो स्कॉलरशिप भी देने की पोजीशन में है, 500,000 रुपए भी खर्च कर दे, वो पैसे सर खर्च इसलिए थोड़ा सा कराते हैं ताकि जान माल की कदर नहीं है, जरूरी है, ये जरूरी है। इसमें हमेशा अपने तलबा को ये कहता हूँ कि देखो भाई ये जब तक के ना आप मुफ्त की तालीम हासिल करते करने के उसमें होता है ना, तो वो छुट्टी करते हैं और उसको एहतमाम से नहीं बैठते, और पता चलता है जो आराम कर रहे हैं, कैंटीन में चाय पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उनको, मिसाल देता हूँ मैं आईबीए की, जब मैं आईबीए में पढ़ाता था तो उस वक्त जो है वो 3-4 साल में जब पढ़ाया तो वो एक एक 5-5 मिनट की उनको फिक्र होती थी यार हमारा टाइम ज़्यादा ना हो जाए, वो पैसे खुद के और खुद अच्छा। इवन बहुत से लोग ऐसे होते थे कि जो बेचारे साथ साथ जॉब भी करते थे, और जो है वो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है कुछ तरीके से, हर आदमी कुछ काबिल नहीं होता क्योंकि वालदे उनको पूरा बोझ उठा सके, तो बच्चे ऐसे कई सारे ऐसे होते थे हमारे एहसान ट्रस्ट में जितने बच्चे होते हैं, तो हमने उनको ये कहा हुआ है कि भाई आप लोग जो है वो साथ साथ भी करें, तो वो ये करते हैं कि साथ में कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, तो कोई डांस काम करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं या कॉन्टेंट राइटिंग करते हैं या कोई इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, तो फिर इस तरह वो पैसे बना के फिर जो है वो आई बी में पढ़ रहे होते हैं, उसका फिर उसको कदर होती है यार इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद पढ़ रहे तो कदर वो सही मानों को इल्म आता है। तो लेकिन अगर वो पैसा नहीं लगाएंगे तो वो उसकी कदर नहीं आएगी, और कदर इल्म एक ऐसी चीज है कि जो बगैर कदर के कभी भी जो है उसको इल्म नहीं आता, जब तक कि आप अपने आप पूरा अपनी आप जो है ना अपनी तवानाई और अपने आप को उस पर वक्फ ना कर दें। तो ये जज़ाकअल्लाह सर, आप अगर किसी अपने नायब की ड्यूटी लगा दें कल मुझसे ज़रा रब्ता कर लें तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे।